सारे स्वादिष्ट फल और सब्जियां थे। उस जंगल में रहने वाले सारे पशु वे फल सब्जियां खाना चाहते थे, पर कभी किसी ने हिम्मत नहीं करी क्योंकि उस तालाब में कई सारे मगरमच्छ थे। एक दिन एक खरगोश जो उसी जंगल में रहती थी उस तालाब से पानी पीने गई। उसने वह सूची बनाने का काम मुझे दिया है। मुझे आप सभी की गिनती करनी है। अगर आप मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे, तो मैं सबकी गिनती करना चाहती हूँ, जिससे मैं राजा को बता सकूं। खरगोश बोली। सारे मगरमच्छ आपस में बात करना शुरू हो गए। अच्छा, पर तुम हमारी गिनती कैसे करोगी? एक मगरमच्छ बोला। आप सब एक लाइन बना लो, मैं एक एक करके आपकी पीठ पर चढ़ के आप सभी की गिनती करूंगी। सब मगरमच्छ वैसे ही करने लगे। सबने तालाब से शुरू करके द्वीप के किनारे तक लाइन बना ली। खरगोश एक एक की पीठ पर कूदी और द्वीप तक पहुंच गई। खरगोश ने सारा दिन वह फल सब्जियां खाए और द्वीप पर आराम भी किया, और फिर दिन ढलने पर द्वीप के किनारे आई। सब मगरमच्छ द्वीप के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। ये खरगोश अभी तक वापस नहीं आई। फिर एक मगरमच्छ ने खरगोश को लौटते देखा और बोला, तुम अभी तक क्या कर रही थी? मैं गिनती करते करते अटक गई थी। आप सब दोबारा से एक लाइन बना लो, मैं इस बार सही गिनती करूंगी, खरगोश बोली। सब मगरमच्छ खरगोश का विश्वास करते हुए दोबारा लाइन में लग गए, और फिर वह सबकी पीठ पर कूद के तालाब के किनारे पहुंच गई। तो बच्चों, आपने देखा कैसे ये खरगोश होशियारी से उस सुंदर द्वीप पर पहुंची और मजे से सारे फल सब्जियां खा के वापस भी आ गई। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बुद्धिमान मछुआ। समुद्र के किनारे रहने वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में एक दो मछलियों के साथ साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फुश से कुछ काला धुआं जैसे बाहर निकला। वो काला धुआं एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को देखकर बहुत डर गया। भूत भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं बहुत शक्तिशाली था। लोग मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस शीशे के अंदर फंसाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। बहुत सालों तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो, मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे है? भूत बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मछुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं, हा हा हा, अब तुम देखो
मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ। ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कस कर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। तीन दोस्त, प्याज, टमाटर और कुल्फी। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्याज काटने के समय क्या आपको कभी रोना आया है? मुझे तो हमेशा रोना आता है। आपको पता है ऐसे आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? एक मजेदार कहानी है इस वजह के पीछे। चलो आओ बैठो और सुनो ये कहानी। कई साल पहले रहते थे तीन दोस्त एक छोटे से प्यारे से गांव में। पहला था टमाटर, दूसरा कुल्फी और तीसरा था प्याज। ठंड का मौसम था। ये तीन दोस्त हमेशा साथ साथ खेला करते थे। जहां भी जाना होता साथ में ही जाते थे। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती बहुत पक्की बन गई थी। धीरे धीरे ठंड का मौसम समाप्त होने लगा और गर्मी का मौसम शुरू हो गया। एक दिन ये तीन दोस्त बाग में जाकर खेलना चाह रहे थे। आप लोगों को पता ही होता है गर्मी के मौसम में कितनी तेज धूप होती है। बेचारा कुल्फी को मौसम का नहीं पता था। वो आया बाहर खुशी से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में गर्मी की वजह से वह पिघलने लगा। कुल्फी की इस हालत को देखकर टमाटर और प्याज चिंतित होने लगे। उनको समझ नहीं आया कि वे क्या करें। धीरे धीरे बेचारा कुल्फी पूर्ण रूप से पिघल गया। टमाटर और प्याज टूटे हुए दिल लेकर दुखी होकर रोते रोते घर वापस चल पड़े। रास्ते में उनको एक छोटा लड़का गेंद से खेलते हुए मिला। लड़के ने ध्यान नहीं दिया और जोर से गेंद को फेंका। प्याज ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन निशाना छूटा और गेंद टमाटर के सर पे आ गिरा। टमाटर को जोर से मार लगी और वह गिर पड़ा। उस रात प्याज दुखी रहा और अपने दोस्तों की याद में भोजन भी नहीं कर पाया। वह रोने लगा, हे भगवान, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं अकेला पड़ गया। कल को मुझे भी कुछ हो गया तो मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं रहा। उसी समय अचानक आकाश से प्रकाश की किरण आई। प्यास को एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा, मेरे प्यारे प्याज, फिकर नहीं करना। तुम्हें अगर कुछ भी हो तो तुम्हारे आसपास के सारे लोग रोएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा कहकर प्रकाश की किरण आकाश में गायब हो गई। इसीलिए जब भी हम प्यास काटते हैं तब हमको रोना आता है। ऐसी कहानियां और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धिमानी। मुकुंदपुर नामक एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ के दो बेटे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह अपने दोनों बेटों के लिए एक परीक्षा रखे और दोनों में से जो भी सफल होगा आगे जाकर वही उनके व्यापार को चलाने की जिम्मेदारी उठाएगा। रामनाथ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, ये लो, ये थोड़े पैसे हैं, इनसे एक ऐसी चीज खरीदो जिससे सारा घर भर जाए। पहला बेटा पैसे उठाकर बाजार गया। बाजार में उसने सूखे घास की ढेर देखी। उसने सोचा कि ये तो कम मूल्य का ही है, तो उसने सारे पैसे सूखे घास पे खर्च कर दिए। फिर उसने पूरे घर को घास के साथ भरने की कोशिश की, परंतु
घास की मात्रा बहुत कम पड़ गई। दूसरे बेटे ने अपने पिता द्वारा दिए परीक्षा को बुद्धिमानी से पूरी करनी चाही। बहुत सोच समझकर वह बाजार गया और पिता दिए पैसों से सिर्फ 1 रुपया खर्च किया और 1 मोमबत्ती खरीदा। फिर वह घर वापस आया और बैठक में उसने मोमबत्ती जलाई। ऐसा करने पर पूरे कमरे में रोशनी छा गई। रामनाथ अपने छोटे बेटे की बुद्धि से प्रसन्न होकर व्यापार संभालने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी और बड़े बेटे को भी बोला कि वह हमेशा अपने भाई की सहायता करे। इससे दोनों बेटे खुश थे। यही कहानी का अंत है।